खोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत काशिम व वाहिद की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त काशिम पुत्र चाव सिंह निवासी मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा, दूसरा वाहिद पुत्र जुमरत निवासी मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा, तीसरा अंसार पुत्र वाहिद, चौथा शाकिर पुत्र सहजू निवासी गण ग्राम मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा एक सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उनकी ख्याति को हानि पहुंचाने के आशय से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा पहचान को प्रतिरूपण फेसबुक प्रोफाइल से फोटो की चोरी करके दूसरी फर्जी आईडी बनाकर चोरी किए गए फोटो को लगाकर छल द्वारा पैसे मांगना व पैसे प्राप्त करने हेतु बैंक में फर्जी तरीके से कूट रचित साक्ष्यों को असली के रूप में प्रयुक्त कर खाते को बैंक में खुलवाकर धन की प्राप्ति कर जीवन यापन का मुख्य आधार बना लिए थे, जिसको देखते हुए अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से अपने गांव मंडौरा में एक एक मकान बनवाया गया था, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत तहसीलदार गोवर्धन जनपद मथुरा राजकुमार भास्कर व उप निरीक्षक मोहम्मद रिजवान थाना खोराबार द्वारा टीम के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध रूप से धन अर्जन कर निर्माण कराए गए मकान को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 15,82,000 रुपए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वाहिद पुत्र जुमरत निवासी मंडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की थाना खोराबार जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 639/2003/1 गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्राम मंडौरा में स्थित दो कमरों का पक्का मकान को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेशानुसार वाद संख्या D20220531009 राज्य बनाम वाहिद में पारित आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर। ये मकान अब हमने कुर्क कर लिया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज थाना खोराबार द्वारा एक नई मुहिम के माध्यम से साइबर अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर को लगाकर 14(1) धारा गैंगस्टर एक्ट के तहत दो साइबर अपराधियों की घर कुर्की किया है, जिनके अपराधियों के नाम कासिम पुत्र चाव सिंह और वाहिद पुत्र जुमरत हैं, जो जनपद मथुरा के रहने वाले हैं। इनकी टोटल 33 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, वो संपत्ति जब्त होने के कागजात प्रस्तुत किए हैं। उनमें से 11,26,000 रुपये का मकान, 4 कमरों का पक्का मकान कासिम पुत्र चाव सिंह का और वाहिद पुत्र जुमरत जिसका 4,56,000 रुपये का मकान एवं इनकी ज़मीन को भी अटैच किया गया है। और ये बात उल्लेखनीय है कि ये तीनों केस जिनके ऊपर गैंगस्टर बना था उसमें यहाँ के स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी की फेसबुक आईडी हैक कर उससे पैसे मांगने, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रोफाइल इम्पर्सोनेशन करके उसके माध्यम से उनके विभिन्न अधिकारियों से पैसे मांगने एवं सिविल न्यायालय गोरखपुर के एक अधिवक्ता का भी अकाउंट इम्पर्सोनेट करके उनके भी संबंधित लोगों से पैसा मांगने, तो इस तरह के तीनों मुकदमों के ऊपर गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई एवं इन साइबर अपराधियों को ढूंढ निकाला गया एवं उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये साइबर अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली पहली ऐसी मुहिम है जिसमें उन पर गैंगस्टर लगा के उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई गोरखपुर पुलिस करती रहेगी। थैंक यू।